मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि जंगल में अकेली तनहा अपने पापा को बुलाती होती है, लेकिन उसके पापा नहीं सुनते। तभी पीछे से एक हाथ आता है और उसे नीचे की तरफ खींच लेता है। वहीं मूवी का सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक फैमिली अपनी छुट्टी मनाने के लिए किसी आइलैंड पर जा रही होती है और वो बोट पर सवार होती है। काफ़ी टाइम के बाद उन्हें वो आइलैंड दिखाई देता है जहाँ उन्हें छुट्टी मनाने के लिए जाना होता है। बच्ची का नाम लारा होता है, माँ का नाम निशा और बाप का नाम अनिल होता है। उस टापू पर गाइड करने के लिए एग्नेसिस नाम की लड़की होती है, लेडी होती है, जो कि उन्हें गाइड करती है। उस आइलैंड पर उतरने के बाद में उन्हें रुकने के लिए एक विला चाहिए होता है जो कि पहले से ही तयशुदा होता है, और वो उस विला की तरफ बढ़ने लगते हैं। विला जाते वक्त गांव वाले उन लोगों को घूर घूर के देख रहे होते हैं कि मानो उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की हो उस टापू पर आकर। थोड़ा चलने के बाद में वो बेंगलुरु विला पहुंच जाते हैं। एग्नेसिस विला छोड़कर उन्हें सारी चीज़ें बताकर कल आने को कहती है। लारा और उनके पापा बीच पर खेल रहे होते हैं, तभी एक आदमी झाड़ियों के पीछे से उन लोगों पर नज़र बनाए रखे हुए होता है। और रात होते ही लारा के कमरे में कुछ अजीब सा होता है जिससे उसकी आँख खुल जाती है और वो खिड़की पर देखती है। बहुत सारे हाथ उसे दिखाई देते हैं और कमरे के बाहर से उसे ऐसा लगता है कि उसके पापा अभी अभी गुजरे हैं, और वो पापा समझकर कमरे के बाहर निकल जाती है। कमरे के बाहर आते ही लारा को कोई उसके नाम से आवाज़ देता है। तभी दीवार से एक परछाई लारा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है और लारा डर कर जैसे ही घूमती है भागने के लिए, तो वो परछाई उसे खींच कर कमरे में लेकर के चली जाती है। अचानक के रोने की आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा उसके पास आते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि लारा और उसके पापा फिर से बीच पर खेल रहे होते हैं। लारा की मम्मी उसके पास में आ जाती है जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो लारा की मम्मी सौतेली होती है। इसलिए लारा के पापा उसकी सौतेली मम्मी से बातें करने लगते हैं। तभी लारा धीरे से जंगल की तरफ निकल जाती है। तभी वापस लारा को वही आदमी झाड़ियों में दिखाई देता और लारा जोरों से चिल्लाती है। तभी रात होते ही हम बहुत सारी अजीब चीज़ें होते हुए देखते हैं। लारा को फिर कोई आवाज़ देकर बुला रहा होता है और वो उस आवाज़ के पीछे निकल जाती है। वहीं उसकी माँ को भी बहुत अजीब सी चीज़ें दिखाई देती है। मनीषा लारा को एक कोने में रोते हुए देखती है। तरफ लारा अपनी माँ को देखते हुए कमरे में चली जाती है। देखते ही देखते उसकी पहली माँ जो कि मर चुकी है वो धीरे से जल जाती है। लारा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा उसके पास आ जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि लारा के पापा के ऑफिस से उसे कोई बुलाने के लिए आ जाता है। उड़कर ऑफिस चला जाता है वापस से। वहीं लारा एग्नेसिस से बातें करने में लग जाती है और लारा जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल से आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ को फॉलो करते करते जंगल के बीचों बीच पहुँच जाती है। काफ़ी टाइम होने पर जब वो नहीं आती तो निशा और लारा दोनों उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, और तभी वही आदमी लारा के पास दिखाई देता है जो कि उसे जाने के लिए कहता है। लारा डर कर जोर जोर से मम्मी मम्मी चिल्लाती है। तभी एग्नेसिस और निशा उसके पास में पहुंच जाते हैं उसकी आवाज़ सुनकर। रात होने पर हम देखते हैं कि लारा के कमरे से एक अजीब सी आवाज़ बॉल खेलने की आती है। निशा बाथरूम में ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है, उसे भी अजीब सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तभी लारा कमरे से बाहर देखती है और एक बच्ची बॉल के साथ खेल रही होती है, और वो डर कर उस अलमारी में छुप जाती है जो उसके घर में होती है। मनीषा उसकी आवाज़ सुनकर और उसे ढूंढने लगती है। तभी दोनों साथ में मिल जाते हैं और पूरी रात बाहर जाकर सोते हैं। अगली सुबह जब एग्नेसिस आती है तो उसे सारा माजरा बताते हैं। एग्नेसिस इन सब से बचने के लिए एक टोटका बताती है जहाँ पर वो कौवे की बलि देती है। उस रात वो लोग काफ़ी अच्छे से गुजारते हैं। सुबह 10 बजे तक उठने के बाद में लारा को भूख लगी होती है जहाँ पर एग्नेसिस नहीं आई होती। लारा और निशा दोनों मार्केट जाते हैं लेने के लिए कुछ खाने का। गांव वाले उन्हें बहुत इग्नोर करते हैं, बट कैसे तैसे वो खाने का इंतजाम करते हैं। वापस रात होने पर उनके साथ में एक अजीब सी घटना घटने चालू हो जाती है। लारा को ऐसा महसूस होता है कि उसके पापा कमरे के बाहर से अभी गए, तो वो पापा समझ के उनके पीछे पीछे जाने लगती है। निशा के साथ भी बहुत अजीब सा होता है। लारा डर कर कमरे में भाग जाती है और बिस्तर ओढ़कर सो जाती है। तभी उसके बिस्तर के अंदर से वो शैतान बाहर आता है। लारा और निशा दोनों डर कर कमरे के नीचे आ जाते हैं सीढ़ियों से। वहीं आत्मा अचानक से उनके करीब आ जाती है। कुबड़ा आदमी जो बचाने के लिए घर में आ जाता है और उन दोनों को भागने को कहता है। लारा और निशा ये डिसाइड करते हैं कि एग्नेसिस के पास जाएंगे। एग्नेसिस के घर पहुंचने पर उसका घर और भी ज़्यादा भूतिया लग रहा था।
एग्नेसिस के साथ में काफ़ी लोगों की फ़ोटो खींच करके रखी हुई थी, जहां लारा के पापा की भी फ़ोटो साथ में थी उसके। निशा फोटो को देखकर कुछ समझने की कोशिश करती है और लारा को उसकी पहली माँ जो कि मर चुकी होती है वो दिखाई देती है और उसके पीछे पीछे वो जंगल में चली जाती है। वहीं निशा फोटो देखते हुए कुछ समझने की कोशिश करती है और उसे पीछे से को मार के बेहोश कर देता है। निशा को होश आते ही हम देखते हैं कि वो कुबड़ा इंसान उसके पास में होता है और उसे अपनी पूरी दास्तान बताता है कि वो किस तरह इस टापू पे फंसा हुआ है। जो शुरुआत में हम बच्चे देखते हैं वो इसी की बच्ची होती है, जो कि इसने एग्नेसिस के साथ में आत्मा का सौदा किया था कि इसका कुबड़ापन ठीक हो जाएगा, उसके बदले इसे किसी अजीज चीज़ की कुर्बानी देनी होगी। तो ये अपनी बच्ची की कुर्बानी देता है जिस वजह से इसे कोई फ़ायदा नहीं होता और वो इस टापू पर हमेशा के लिए रहता है, ताकि कोई भी भोला भाला इंसान दोबारा इसके जंगल में ना फंस सके, इसलिए वो इनकी मदद करता है। निशा को समुंदर के किनारे एक बोट देता है और जाने को कहता है। वहीं निशा मना कर देती है और अपनी बेटी लारा को बचाने के लिए वहां से जाने लगती है। कुबड़ा इंसान उसे एक नमक की थैली देता है और कहता है कि ये नमक उस पर असर करेगा, वो मरेगी नहीं लेकिन दूर भागेगी। लारा को बचाने के लिए उस विला बेंगलुरु विला में पहुँच जाती है। शैतान लारा को उसकी माँ के भेष में उससे बेंगलुरु विला ही लेकर के जाता है। वहीं कुबड़ा इंसान भी एग्नेसिस को मारने के लिए उसके पास जाता है। निशा अपनी बच्ची को बचाने के लिए लारा के पास जाती है। वही शैतान से काफ़ी मुकाबला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन मार नहीं पाती। नमक फेंकती है तो ज़्यादा देर तक असर नहीं होता। वहीं निशा के ऊपर वो शैतान हमला कर देता है, गला दबाने लगता है। कुबड़ा इंसान होता है वही वो चाकू एग्नेसिस की गर्दन पे लगता है। वो शैतान गायब हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर निशा और लारा दोनों उस बोट की तरफ भागते हैं। वहीं एग्नेसिस और कुबड़े इंसान में काफ़ी लड़ाई होती है, जिसके अंदर कुबड़ा इंसान जान से हाथ धो बैठता है। एग्नेसिस काफ़ी जख्मी हो जाती है और आखिर में देखते हैं कि लारा और उसकी माँ निशा वो दोनों बीच पर भागते हुए एक बोट की तरफ जाते हैं और वो बोट में बैठ जाते हैं। दोनों गले मिलते हैं और वो मूवी वहीं ख़त्म।